हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुष्पा माथुर और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है बच्चों, समांतर त्रिज्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं AP, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में जितना भी सवाल है, 1 से लेकर 20 तक टोटल सवाल है NCERT का। आज 1 से लेकर 20 तक हम लोग कम्प्लीटली सारे का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम यूनिक सॉल्यूशन लगेगा कि बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, NCERT बुक को निकालना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 निकालेंगे, जो आपका पेज नंबर कितना में है, 116 में निकाल लें। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, जो आपका एक सारणी टेबल दिया हुआ है उसमें कुछ जगह खाली दिया है। ठीक है, वो खाली जगह में क्या होगा वो आपको बताना है। जहां पर AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D, एनवा पद AM। ठीक है, ये तीन वो जगह यहां पर, और एक टोटल नंबर ऑफ टर्म M, कुल पद M, टोटल चार वो यहां पर बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, टोटल चार वो आदमी यहां पर है, चारों आदमी कभी कहीं किसी के लिए जगह खाली है, कहीं किसी के लिए जगह भरा हुआ है। तो जहां पर जगह खाली है वहां पर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, दूसरा आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान, बोला ना आप खुद बना सकते। एक नंबर देखिए, एक नंबर देखिए, बोला कि एक नंबर में एक देखिए, बोला कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 7, और यहाँ पर डी का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 3, और एन का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 8। तो आपको निकालने क्या बोला, AN, ये आपको निकालने बोला। यहाँ पर खाली जगह इस तरह से दिया हुआ, डैश 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 इस तरह से दिया। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए, तो जैसा कि आप लोग एनवा पद का मतलब AP का एनवा पद जो मैंने कल का वीडियो में बताया था वो तो आप लोग पढ़े ही है, तो यहाँ से आप AN का फॉर्मूला जानते ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है इसलिए का साइन दीजिए। ठीक है, इसको इसलिए का साइन बोलते हैं। इसलिए AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A+N-1 × B। A का वैल्यू क्या बच्चों, 7, प्लस N का वैल्यू 8, माइनस 1 × D का वैल्यू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 + 7 = 8 में ही जाएगा, तो 7 × 3, तो 7 + 7 = 21, और 7 = 28, तो हो गया आंसर आपका 28। तो यहाँ पर AN की जगह में क्या बनाएगा बच्चों, 28। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इस तरह से एक नंबर में जितना भी सवाल आप बना सकते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग डिट तो उसी तरह से बनाइए, इनको नहीं मिटा दे। ठीक है, जगह है मेरा दो नंबर दे, या दो नंबर नहीं, जो आपको हार्ड लग रहा है उसको बता दीजिए, जो या फिर दो ही नंबर बता देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में सारा आसान गया, इसलिए मैं आपको दो बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिए। ठीक है, जैसे A क्या दिया बच्चों, -18, D क्या दिया है, कोई तो निकालने बोल रहा है, यहाँ पर खाली जगह दिया। ठीक है, डी की जगह में क्या दिया, खाली जगह, यही आपको निकालना है। N कितना दिया, 10 दिया है, और AN कितना दिया बच्चों, 0 दिया है। तो देखिए फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, फॉर्मूला मेरा कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, चूंकि AN बराबर होता है A+N-1 × D, यही होता है ना फॉर्मूला AN। ठीक है, तो यहाँ पर AN का वैल्यू कितना दिया, 0, A का वैल्यू -18, N का वैल्यू 10, -1 B का वैल्यू वही तो निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है समझने में, ये जो -18 है इधर आके +18 हो जाएगा, ये 10 में एक जगह, तो 9 × D, 9 × 18, तो D का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2। तो इस तरह से देखिए कितना आसान तरीके से बनाए, कहीं आपको कोई दिक्कत हुआ, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला में जो दिया है उसको पूर्ण कर दीजिए, जो नहीं दिया उसको निकाल दे। ठीक है, बन जाएगा एक नंबर, बन जाएगा थोड़ा देर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर दें। तो अगर आप लोग एक नंबर बना सकते हैं तो अब हम लोग दो नंबर की ओर चलते हैं। देखिए दो नंबर में बोला कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, ठीक है, और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, मतलब कारण, तो यहाँ पर हम लोग मैथ में कारण किस तरह से देते हैं, लैंग्वेज में लिख कर नहीं देते, बना करके देते। ठीक है, तो इसको बना करके हम लोग निकाल देंगे, क्या बोला, सही उत्तर चुनिए, यानी एक दो का एक दे दीजिए, दो का दो नंबर में दो क्वेश्चन। ठीक है, तो एक मैं बता देता, आप लोग दूसरा खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, AP क्या दिया है बच्चों, AP दिया है 10, 7, 4, ……, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका बोला कि तीसवां पद क्या होगा, इसका बोला कि तीसवां पद क्या होगा, मतलब आपको निकालने क्या बोला, A30 निकालने बोला, A30 निकालने बोला। तो यहाँ पर बोलिए तो प्रथम पद क्या है, A,
10 दिया है। बोले तो यहाँ पर सार अंतर कितना दिया है, ए टू माइनस ए वन, ये हो गया ए वन, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री, ये हो गया डॉट 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 चलते। ए टू क्या बच्चों 7, ए वन कितना है 10, बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर ठीक है तो हमको ए 30 निकालने बोला है तो ए 30 लिख देते, इसलिए ए 30 क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस 29D। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर जितना निकालने बोलेगा उससे एक कम लेना है डी में, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है ए 30 का फॉर्मूला आ जाता है ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए ये 30 माइनस 1 मतलब फिर से बहुत फिर से 29 ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको नाम बना देते हैं, एक लाइन काट दीजिए मतलब एक लाइन क्वार्टर बना दिया और डायरेक्ट यहाँ पर 29D लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर दिया, एक अभी तो हमको पता है 10 दो गुना 29 गुना डी का तो भैया हमको पता है माइनस का 3, तो 10 माइनस का कितना आ जाएगा 3/27 का 7/2, 3/6 और 2/8, और इस तरह से माइनस का 77 आ गया। तो इस तरह से क्या आ गया बच्चों ए 30 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों माइनस का 77। तो देखिए जिस ऑप्शन में दिया हुआ है उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये दो का एक नंबर का कौन सा ऑप्शन में माइनस 77 दिया, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पर है उसको टिक कर दो। चलिए दूसरा आप खुद बना सकते हैं, इसी तरह से डी टू बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है नोट कर लीजिए। अब देखिए तीन नंबर हो रहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ खाली जगह दिया है बॉक्स बना करके वहां पर क्या नंबर होगा वो आपको बताना है, बहुत आसान है, इसको देखते हैं तीन का। जैसे मैं इसका दो को बना देता आप बाकी 5 को टोटल है, दो को मैं बना दूंगा, तीन को आप ट्राई कीजिए, ठीक है बिल्कुल बन जाए, बहुत आसान है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तीन नंबर का एक नंबर होती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है 26, ठीक है तो बोल रहा है कि इसका बॉक्स में क्या भरा है। तो देखिए ये पहले से बोल रहा है कि एपी में है, तो एपी में जब रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर यह जो क्वेश्चन दिया वो एपी में दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि या एपी में है, ठीक है, या फिर गिवन में लिख दीजिए, गिवन में कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्या दिया है कि या एपी में है, या एपी में है, तो या यदि एपी में है तो एपी का मेरा कंडीशन क्या होता है, कि तब उसका ए टू माइनस ए वन बराबर रहेगा ए थ्री माइनस ए टू का, यही होता है ना कंडीशन, मतलब उसका सार अंतर समान रहता है, बिल्कुल सही बात है, यही तो होता है एपी का कंडीशन। तो A2 का यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, यानी हम लोग A2 का 10 का 10 लिख देते हैं, यही तो निकालना A1 का वैल्यू कितना है 2, ये क्या है ये A1, ये है A2, ये है A3, मतलब यहाँ पर तीनों को पद दिया, ठीक है A3 26, A2 निकालना है, ये माइनस A2 है, इधर आके प्लस A2 हो जाएगा, A2 प्लस A2 26, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, एक को A2 और एक को A2 कितना हो गया 2 को A2 26 और 2 28 14 तो नहीं 28, तो यहाँ पर A2 का जगह में क्या बनाएगा बच्चों 14, ठीक है A2 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा बच्चों 14, तो यहाँ पर क्या बना देंगे 14, बस इस तरह से बनाना है, ठीक है। और एक मैं बना देता हूँ ताकि आप लोग इमेज बन जाए कि किस तरह से हमको बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक और मैं बना देता, ठीक है रुकिए अभी स्क्रीनशॉट नहीं कीजिए, पहले इसको और एक बना देते, देख लीजिए उसको भी, देखिए मैं आपको बना देता हूँ 4 नंबर बना देता, ठीक है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। माइनस 4 दिया है, एक बॉक्स बना है, एक और बॉक्स बना है, एक और बॉक्स बना है, एक और बॉक्स बना है, और लास्ट में 6 लिखा, ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि इन बॉक्सेस में क्या क्या नंबर भराएगा, ठीक है तो देखिए इसको कैसे चेक करें। अच्छा सबसे पहले तो यह एपी में है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यदि ये एपी में है तो ये किसका क्या है पहला पद, ये इसका क्या है दूसरा पद, ये इसका क्या है तीसरा पद, ये इसका क्या है चौथा पद, ये इसका क्या है पांचवा पद, ये इसका क्या है छठा पद, तो क्वेश्चन क्या लिख देंगे हम लोग गिवन में कि यह एपी में है, या एपी में है, और यदि यह एपी में है इसका सार अंतर तो समान होगा वो तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में देखिए यहाँ पर तो फिर दिया क्या है कि यहाँ पर जो इसका पहला पद है ना वो इसका दिया है माइनस 4, ठीक है क्लियर है, और इसका जो छठा पद है ना वो दिया है 6, तो बोलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A6 का, जिस तरह से अभी हम लोग A30 निकाले थे A+29D घटा करके उस तरह से A6 निकाले तो क्या हो जाएगा A+5D घटा करके 6। अच्छा बोलिए तो A1 को ही तो हम लोग AB बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 5 और D हमको निकालना है, ठीक है ये हो जाएगा 5D, इधर हो जाएगा 6, ये माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, तो 5D बराबर हो गया 10, तो D का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है बच्चों D का वैल्यू आ गया 2। तो हमको A का वैल्यू पता है, D का वैल्यू हमको पता है, तो हमको ब्रह्मांड का कोई भी नंबर निकालने में मुझे AP का निकाल लेंगे, ठीक है कैसे, तो हमको निकालना क्या है इसका सीधा क्या है A2, इसका सीधा क्या है A3, इसका सीधा A4, इसका सीधा A5, मतलब हमको ये 4 को निकालना है,
तो इसलिए अब ए टू बराबर, और इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस चार, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों दो, तो इस तरह से क्या आ जाएगा माइनस का दो। ए थ्री हमको निकालना है, तो ए थ्री में कुछ नहीं करना है, ए टू में डी को जोड़ देना है, ए टू में डी को जोड़ देना है, डी मेरा क्या होता है सार बनता है, मतलब जो कॉमन है ना जितना का डिफरेंस उसको जोड़ते जाना है बस। तो ए टू मेरा कितना निकला माइनस टू, इसमें जोड़ देंगे डी को, यानी माइनस टू और प्लस टू कितना हो जाएगा जीरो। समझिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है आप थोड़ा दिमाग में इसको बनाइए। ए थ्री क्या होता है, ए थ्री आप लोग ये वाला पढ़े, मैंने आपको पढ़ाया है, ए थ्री जो होता है वो ए टू प्लस डी रहता है, ये होता है। तो ए टू का वैल्यू क्या माइनस टू, और डी का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर दो, कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो ए फोर का वैल्यू कितना आ जाएगा ए थ्री प्लस डी, ए थ्री का कितना निकाला अभी जीरो, और डी का वैल्यू कितना है दो, इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा दो। ए फाइव निकालना है, ए फाइव क्या हो जाएगा ए फोर प्लस डी, यानी दो, ये दो और यहाँ पर डी का वैल्यू दो, टोटल कितना आ जाएगा चार। ओके आंसर, ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आपको चेक करना है कि ये जो मेरा तीनों वैल्यू आया माइनस टू जीरो टू फोर चारों वैल्यू जो आया वो सही है क्या नहीं है, तो हम लोग जो ये वाला पैटर्न अभी फॉलो किए यानी दो दो जोड़ते किए चेक कीजिए, तो अब ए फाइव के बाद यदि हमको ए सिक्स निकालने होता, हमने जानते कि ए सिक्स क्या दिए, ए सिक्स निकालने होता तो हम लोग ए फाइव में डी को जोड़ देते, तो ए फाइव में मेरा कितना निकला चार, और डी मेरा कितना है दो, तो चार और दो छः, देखिए छः है यहाँ पर बिल्कुल, मतलब मेरा जो हम पैटर्न को फॉलो किए वो पैटर्न एकदम सही है। तो बस इसको नोट कर ले, आपको समझ में आ गया और मैं किस तरह से अभी बनाया उसी तरह से आपको सब बनेगा, ठीक है यही वाला पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। तीन तो बन जाएगा ना सब, और तीन को बचा है बना लेंगे ना, चलिए छोड़ देते। देखिए जब मैं आपको जो क्वेश्चन सर छोड़ दे रहा हूँ ना उसको आप दिन में एक घंटा बैठिए बनाने के लिए, एक घंटा बनाने बैठ जाएंगे, जितना मैं छोड़ रहा हूँ आप खुद से उसको बना लेंगे, ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद खेलिए ना पूरा दिन, क्या दिक्कत है, ठीक है एक घंटा जरूर बनाने बैठिए सर जो मैं छोड़ रहा हूँ, एक घंटा तो अभी आप मेरा वीडियो देखेंगे, और एक घंटा क्या करेंगे जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको आप बनाइएगा अपना कॉपी में, चाहे कॉपी में चाहे आप कॉपी में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, चार नंबर देखिए, बोल रहा है कि एपी दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट लिखिए चार नंबर, एपी दिया हुआ है, तीन दिया है, आठ दिया है, तेरह दिया है, अठारह दिया है, डॉट 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 चलते तीन तीन आठ तेरह अठारह, बोल रहा है कि कौन सा पद इसका अठहत्तर है, कौन सा पद 78 है, बोल रहा है इसका कौन सा पद 78 है, यानी इसका अंतिम पद कितना दिया 78, तो बोल रहा है कि ये जो देखिए 78 है वो कितना नंबर में आ रहा है, यानी ये कितना नंबर में आ रहा है एक नंबर में, ये दो नंबर में है, ये तीन नंबर में आ रहा है, ये चार नंबर में आ रहा है, ये बोला कि n नंबर में आएगा तो यही n का वैल्यू तो कितना, बस यही बोलना है। तो हम निकालते हैं यहाँ प्रथम पद क्या है बच्चों, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था, ठीक है तो ये वाला आप खुद से कर सकते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सार बनता डी, देखिए डी कितना आ जाएगा ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन यानी आठ में तीन जाएगा तो पांच, ठीक है और इसका अंतिम पद क्या है 78। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का वैल्यू कितना दिया 78, ए का वैल्यू कितना है थ्री, एन का आपको निकालना है, डी का वैल्यू कितना है फाइव, 78 में यहां से तीन माइनस हो जाएगा एन माइनस वन इंटू फाइव, अठहत्तर में तीन जाएगा तो पचहत्तर, और यहां पर देखिए जो पांच गुना है ना इधर आके भागा में हो जाएगा एन माइनस वन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इम्प्लाइज का साइन देना भूलिएगा नहीं, तो देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर मेरा पढ़ाने के चलते आपका एग्जाम में कम आ जाएगा नंबर, तो फिर दिक्कत मेरा ही होगा ना, इसलिए मैं आपको हर तरीका बता देता हूँ जिससे आपका नंबर ना कटे, ठीक है तो इम्प्लाइज का साइन देना नहीं भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पर काट दीजिए, पचहत्तर कितना बार में कटेगा 15 × 75 एन बराबर 15, अच्छा ये माइनस वन है ना इसको इधर फेंक देते तो प्लस वन हो जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 16, यानी टोटल कितना टर्म है 16, यानी यहाँ पे छोड़ दीजिए, बोल रहा है कि 78 कितना नंबर में आएगा 16 नंबर में आएगा, ठीक है ये हो गया एन बस खत्म। तो इस तरह से देखिए इसका जो 16वां पद होगा, यहाँ पे क्या लिखो ना इसका जो 16वां पद होगा, 16वां पद होगा वो होगा इसका 78, इसका जो 16वां पद होगा वो होगा 78, ठीक है समझ में आ गया नोट कर। पांच नंबर देखिए बच्चों, इसमें टोटल दो क्वेश्चन दिया, एक मैं बना देता हूँ दूसरा आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है और आगे पांच नंबर नहीं सकेंगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर या फिर भैया कि नीचे में जो पांच नंबर का क्वेश्चन था उसका दो नंबर हम नहीं सके, तो दो नंबर आप बता दीजिएगा, अगला वीडियो में जो मैं आऊंगा तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। पांच नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में
कितने पद है, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ पद निकालने बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोल रहा है, यानी क्या वैल्यू निकालने बोल रहा है, एन का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, पांच का एक बना देता हूँ, पांच का एक बना, पांच का एक, इसमें क्या दिया बच्चों, सेवन दिया, एपी दिया, एक एपी दिया, ठीक है, एक एपी दिया, क्या एपी दिया है, सेवन थर्टीन नाइनटीन, और इस तरह से डॉट 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 डॉट, अंतिम पद क्या है 205, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूरा कि इस एपी में कितना पद है, मतलब ये जो 205 आया वो कितना नंबर में आया, टोटल 205 लास्ट कहाँ है 205 में, तो इस तरह से डॉट 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 टोटल कितना नंबर है यहाँ पर, एक दो तीन को इस तरह से कितना है ये निकालने में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, मतलब यहाँ पर मेरा क्या क्वेश्चन है, मेरा गिवन क्या दिया है, प्रथम पद, यानी यहाँ पर गिवन लिखा, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, प्रथम पद हिंदी से टाइम लिख दूँ, मैथ में लिखे आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे ना, मतलब हिंदी से और डायरेक्ट उसका सिंपल लिख दीजिए, प्रथम पद का सिंपल क्या था, ए सेवन, सार्वंतर का सिंपल होता है डी, ए टू माइनस सेवन, तेरह में सात जाएगा तो छः, खत्म हो गया, अंतिम पद ए एन 205, तो हमको निकालना क्या है, एन लिख दीजिए, आपको क्या एन निकालना, ठीक है, अब निकालिए, चूंकि हमको एक फॉर्मूला पता है कि ए एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का वैल्यू हमको पता है 205, ए का वैल्यू 7, एन हमको निकालना है, डी का वैल्यू 6, ये 205 है ना, इसमें माइनस कर दीजिए 7, एन माइनस वन इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं है, 205 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 7 8 15 9 1 198, ये 6 गुना में ना इधर आके भागा में हो जाएगा, एन माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दीजिए, 6 18 1 6 18 33 बार में कर लिया, तो एन का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 33, पर ये माइनस वन इधर जाके प्लस वन हो जाएगा, यानी इस एपी में टोटल कितना पद है मेरा 34 गो पद है, इस एपी में मेरा कितना पद है 34 पद है, ठीक है, टोटल कितना नंबर है 34 गो नंबर है, ठीक है, इसको नोट कर, तो चलते हैं 6 नंबर, बोल रहा है कि क्या एपी इतना का एक पद माइनस 150 होगा, क्यों होगा, ठीक है, होगा तो क्यों होगा, तो देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर में एक एपी दिया है बच्चों, क्या क्या है, 11852 डॉट डॉट डॉट, चलते ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोल रहा है कि इसका एक पद 150 है, चेक करना है, यानी यहाँ पर एक पद मान लेते 150 है, माइनस का 150 दिया है, देखिए ध्यान से, हाँ माइनस का 150 दिया है, तो बोल रहा है क्या ऐसा कोई पद माइनस 150 है इस लाइन में, चेक करते यदि है तो कितना नंबर में आ रहा है, और नहीं है तो फिर बाद में देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर गिवन में क्या दिया है, गिवन में इसका पहला पद ए, यहाँ पर गिवन नहीं लिखेंगे, ठीक है, गिवन के जगह में आप क्या लिख देंगे, हियर, यहाँ पर, हियर यहाँ पर क्या क्या दिया है, A1 का वैल्यू 11 यानी प्रथम पद, डी सार्वंतर का वैल्यू A2 - A1 यानी 8 में 11 जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है, इसका अंतिम पद क्या है, माइनस का 150, आपको निकालना क्या है एन का वैल्यू, ठीक है, चेक करना कि क्या कोई पद इस लाइन में डेढ़ माइनस का 150 आ रहा है, चेक करते हैं, तो चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, इधर लिखो ताकि मेरा इधर लिखने का जगह रहेगा, मेरा पास एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो फॉर्मूला बचपन से पढ़े, बचपन नहीं मजाक कर रहा, एन का वैल्यू माइनस का 150, ए का वैल्यू 12, एन माइनस वन, डी का वैल्यू माइनस का 3, ठीक है, माइनस 150, ये 11 इधर आके माइनस 11, एन माइनस वन माइनस का 3, ये 150 में 11 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 161 हो जाएगा, 1 5 6 1, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 3 इधर गुणा में इधर आके भागा में हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, एन माइनस वन, ठीक है, अब देखिए इसको काट के देखिए 161 3 से कटेगा, 3 5 15 1 नहीं कटेगा, इसको छोड़ दीजिए 161/3, ये माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसको एलसीएम ले लेते 3 161 + 3 164/3, काट के दीजिए कट, देखिए काट के कटेगा 3 5 15 1 14 से नहीं आता 3 का पड़ा है, यानी यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको एक उदाहरण में बताया था, यानी कल का वीडियो में, ठीक है, तो आप वहाँ पर उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा वहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि देखिए बटा में आ रहा है, तो एन का वैल्यू बटा में आ रहा है, तो क्या इस लाइन में देखिए 11 क्या बटा में, क्या 8 बटा में, 5 बटा में, 2 बटा में, क्या इस लाइन में बटा वाला एक भी नंबर आएगा, है नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो एन होना चाहिए, यहाँ पर जो ये सब क्या है सारे धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये तो
बटा में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बटा वाला तो कोई होगा नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इस एपी में? आपको क्या लिखना है? अभी जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ ना, उसको कहाँ लिखना जानते हैं? सबसे नीचे में लिखना है, ठीक है? तो क्या लिखना है कि क्या लिखेंगे कि इस एपी में, इस एपी की सूची में, एपी की सूची में क्या लिखना है कि इस एपी की सूची में 150 या इस एपी की सूची में कोई पद माइनस 150 नहीं है, बस खत्म। इस एपी की सूची में कोई पद माइनस 150 है ही नहीं, क्योंकि एन कभी द्वारा माइनस 164 पड़े थे, मतलब बटा में नहीं आना चाहिए, बस खत्म। यही माइंड में सेट कर दीजिए, बटा में आएगा तो लिख देना नहीं होगा सूची में। हाँ, गोटा गोटी नंबर आता है, जिसे 25 रहता, 26 रहता, 14 रहता, 15 रहता, कुछ तो रहता ना, तब फिर वो हो जाता है कि इतना नंबर आ रहा है माइनस 150, देन क्या बटा वाला कहाँ नंबर आएगा? नहीं होगा ना। चलिए सुनोट कर ले, समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा समझ में नहीं आया तो आप उदाहरण में देखिए, इस तरह का एक और क्वेश्चन है, ठीक है? पांच साल समझ से यहाँ भी समझ में आ गया, नोट कर लिया इसको, ठीक है बच्चों? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दिया, 38 और 16वां पद दिया, क्या होता है? ये आपको बिल्कुल बच्चा वाला सवाल, बिल्कुल बच्चा वाला। देखिए किस तरह से बच्चा वाला सवाल है, आपको समझ में आ रहा है? अब समझ में आ जाएगा। देखिए सात नंबर में आपको एपी का 31वां पद निकालने को, ठीक है? तो माना वो एपी क्या है, माना वो जो एपी है, हमको तो नहीं पता ना, एपी नहीं दिया, तो हम लोग एपी में क्या मानेंगे कि A1 तो होगा जरूर, A2 भी जरूर होगा, A3 भी जरूर होगा, इसमें डॉट 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 उसका पद होगा, ठीक है? होगा। तो यहाँ पर हमको निकालने क्या बोला, 131 निकालने बोला, मतलब इस एपी का 31वां पद क्या होगा, मतलब इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 31वां नंबर को क्या होगा, ठीक है? ये बोल रहा है जिसका 11वां पद आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, गिवन में क्या दे दिया बच्चों, गिवन में दिया इसका 11वां पद, यानी 11 का वैल्यू कितना दिया है, 38, और तथा उसका 16वां पद, ये 16 कितना दिया, 73, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अभी तक हम कुछ देखिए, जो मेरा क्वेश्चन दिया था हम उसको देख के पढ़े और लिखिए जितना हमको समझ में आया, ठीक है? अब देखिए ओरिजिनल, यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि 11 दिया है 38, ठीक है? तो 11 का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1+10 दी एक घटा करके 38, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, चूंकि 16 का मेरा कितना दिया है, 73, ये 16 का हम लोग क्या लिख सकते, 1+15 दी एक घटा करके 73, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, माइनस करने से देखते क्या होगा, LHS को LHS से घटाएंगे, RHS को RHS से घटाएंगे, 1+15D में माइनस करेंगे, 1+10D को, और इधर हो जाएगा 73 में माइनस करेंगे 38 को। तो क्या हो जाएगा इधर, 1+15D ये माइनस है, माइनस को एंट्री करा दिया, -10D, ये 8 जाएगा तो 8+5=13 हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा तो 3, इधर हो जाएगा, देखिए माइनस है और प्लस है, खत्म हो गया। 15D में 10 को डी घट जाएगा तो 5 को डी बचेगा, 35, तो यहाँ से 5 साथ 35, तो मेरा डी का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 7, डी का वैल्यू मेरा 7 आ गया। तो अब हमको ए का वैल्यू चाहिए, तो पुट कर देते समीकरण 1 में, डी का वैल्यू समीकरण 1 इंप्लाइज से 1+10 और डी का वैल्यू निकला 7=38, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1+7=38, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 38 में माइनस हो जाएगा 7=70 को, तो ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ए का जो वैल्यू मेरा आया वो कितना आया, -32 आया, ठीक है? ए का वैल्यू आ गया, देखिए 10 में 8 गया तो 2 और इधर 6 में 3 जाएगा तो 3, लेकिन साइन को किसका बड़ा है, 70 का बड़ा, इसीलिए हम लोग माइनस दिए, 38 में तो 70 नहीं घटेगा ना, तो इसीलिए हम लोग माइनस का साइन दिया और 70 में 38 को माइनस दिया, ठीक है? समझ में आ गया, ये वो आइडिया और डी निकला, अभी आंसर नहीं बना, इतना हो गया। अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया, यदि आपको ए और डी मिल गया तो ब्रह्मांड का कोई भी चीज निकालने बोलेगा हम निकाल देंगे, ठीक है? अब हमको क्या निकालना है, 31वां पद, ठीक है? यानी 31वां पद, यहाँ पर जगह नहीं है, इधर आपको लिखना है, ठीक है? नीचे में मैं यहाँ पर लिख दूंगा, छोटा सा है इसीलिए, ठीक है? हमको निकालना क्या, अब 31वां पद, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस ए घटा करके 30 से डी, ए का वैल्यू कितना, -32, 30 डी का वैल्यू कितना है, 7, -32 +7 = 21, 210,
अब इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 10 में 2 जाएगा तो 8, और यहाँ जाएगा कितना, 20 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, और प्लस साइन बड़ा है 210 के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस ही रहने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आ गया आंसर। तो 130 यानी 31 को अपन दिया मेरा 178, ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट करते हैं। इतना हो गया, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है, टोटल कितना पद है, एन का वैल्यू दे दिया, लिखते जाते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आ गया, ठीक है। 8 नंबर, एक एपी में कितना पद है, 50, यानी एन का वैल्यू कितना दीजिए बच्चों, 50। ये जो गिवन है मतलब दिया हुआ है वो सबको लिख दे, ठीक है, 50 हो गया। और बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 दिया है, मतलब उसका तीसरा पद 12 दिया, मतलब A3 का वैल्यू दे दिया 12। और बोल रहा है कि अंतिम पद 106 दिया, मतलब AN कितना दिया है, 106 दिया है। और क्या बोल रहा है, इसका 29वां पद याद करना है, मतलब A29 आपको निकालना है, बस। इतना आसान सा सवाल है, इतना आसान सा, बोलिए तो बच्चा वाला सवाल है, क्या आप इसको नहीं बना सकते, बोलिए तो क्या आप इसको नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते, थोड़ा सा घोषणा की जरूरत है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाए, जो मेरा गिवन में दिया है उसी का हम यूज कर रहे हैं, तो हमको किसका यूज करना है, एक चूंकि क्या लिखेंगे, मेरा यहाँ पर वैल्यू क्या दिया, ए थ्री का वैल्यू दे दिया 12, तो ए थ्री का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस ए घटा करके 2d बराबर 12, इसको समीकरण एक मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया, ए एन का वैल्यू दिया है, फिर ए एन का वैल्यू कितना दिया, 106, और इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 × d बराबर 106। लेकिन देखिए यहाँ पर टोटल पद कितना है, 50, यानी एन का वैल्यू मेरा कितना दिया, 50, तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, ए एन की जगह में ए 50 लिखेंगे, और यहाँ पर ए 50 लिखेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि अंतिम पद बोल रहा है, और अंतिम पद मतलब क्या, मेरा टोटल खत्म कहाँ हो रहा है, 50 में, तो ए 50 निकालने बोला, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर ए एन का वैल्यू कितना लिख देंगे, 50। तो ए का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो ए प्लस 50 में एक जाएगा तो 49d बराबर हो गया 106, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है, इसको समीकरण 2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें, समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करें, ठीक है, जो बोले ना एकदम, मैं जो एक तरीका बताऊंगा उसी तरीका से सारा क्वेश्चन समझाएंगे, ताकि आपको कहीं कोई नया ना लगे, मतलब आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा मतलब याद में रखना पड़े कि अरे यहाँ पर ये वाला चेंज करना है, ठीक है, उस तरह का जो मेरा पानी बहता है, जैसा पानी है उसी तरह सारा सवाल को बहा देंगे, मतलब सॉल्व कर देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करें, समीकरण 2 में, आप तो तब से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो तब से आप देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं एक ही प्रोसेस से बता रहा हूँ जो आपको काफी आसान भी लग रहा होगा। 49d में माइनस कर देते हम लोग, LHS को LHS से माइनस करते हैं ना, 2d इधर 106 में माइनस कर देते हैं 12 को, a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d बराबर 6 में 2 जाएगा तो 4, 10 में 1 जाएगा तो 9, 94 हो गया, ये प्लस से माइनस से करता हूँ, 49 में 2 जाएगा तो 47d बराबर 94, ये दो बार में कर जाएगा, देख लीजिए 7×14 का 4 में 1, 4×8 9, या d का वैल्यू आ गया 2, अब d का वैल्यू आ गया तो हमको चाहिए a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए d का वैल्यू को, समीकरण 1 इंप्लाइज से, समीकरण 1 इंप्लाइज से a प्लस 2d का वैल्यू 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12, और ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 तो 12 में 4 जाएगा तो 8। ये मेरा a का वैल्यू निकल गया, ये मेरा d का वैल्यू निकल गया, अब हमको निकालना क्या, 29वां पद, यानी हमको क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है बच्चों, अब हमको निकालना क्या है बच्चों, A29 निकालना है, 29वां पद निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 28 से D, ये घटा करके बोले थे ना, तो A का वैल्यू कितना है 8, 28 से D का वैल्यू कितना है 2, 28 प्लस 8 16 का 14 में 1, 2 3 4 1 5 56, और 8 4 14 यानी 64, बस हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कोई आपको नया लगा, जब हम क्वेश्चन कोई पढ़ने में लग रहा था नया, लेकिन क्वेश्चन तो आप देख रहे कि इस तरह से तो हम तब से बना रहे, तो चलिए इसको नोट कर लिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब एन का वैल्यू निकालने बोल रहा है, जहां पर एन का वैल्यू दे दिया 0, देखिए नहीं समझ आया, देखिए 9 नंबर, देखिए मैथ में जब तक आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे नहीं ना लिखने के लिए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 9 नंबर, किसी एपी के तीसरे, तो मान लेते कोई एपी माना, वो एपी क्या है बच्चों, A1 है, उसमें पहला पद तो होगा ना, दूसरा पद तो होगा ना, तीसरा पद तो होगा ना, इस तरह से चौथा पद पांचवा पद डॉट डॉट चलते रहेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन में क्या दिया है बच्चों,
बोला कि इसका तीसरा पद यानी ए थ्री का वैल्यू कितना दिन का है? चार। तथा इसका नौवां पद यानी ए नाइन का वैल्यू कितना दिन का बच्चों? माइनस का आठ। ठीक है, तो बोला कि इसका कौन सा पद जीरो होगा? कौन सा पद इसका जीरो होगा? मतलब हमको निकालना है क्या है? हमको निकालना है कि ए एन आपका दे दिया जीरो, तो बोला कि कौन सा पद होगा, मतलब एन का वैल्यू निकालने को। समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब इस लाइन में आपका जीरो आएगा, लेकिन जीरो कितना नंबर में आएगा यानी एन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो दो को वैल्यू दिया है इसी को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू डी चार समीकरण एक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एट डी ये घटा करके माइनस आठ समीकरण दो। आप क्या करते हैं, समीकरण दो में एक को माइनस कर देते हैं, जो मेरा पुराना नियम है इधर माइनस करो ताकि मेरा थोड़ा ज्यादा बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे। समीकरण दो में माइनस कर देते समीकरण एक से। समीकरण दो क्या? ए प्लस एट डी माइनस कर देना है, ए प्लस टू डी एल एच एस को एल एच एस के साथ माइनस करना है, आर एच एस को आर एच एस के साथ, माइनस आठ को माइनस करना है चार से। ए प्लस एट डी माइनस ए माइनस टू डी बराबर माइनस आठ माइनस चार माइनस का बारह, ये प्लस माइनस खत्म। आठ डी में दो डी घटेगा तो छः डी माइनस बारह, तो छः दिन बारह यानी डी का कितना आ गया बच्चों? माइनस का टू। देखिए माइनस जिंदा है, उसको उसको भी छोटे छोटे बात को ध्यान देना, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में बना कर आते हैं, बोलते हैं हाँ हम सब बना के आते हैं, और क्या आता है यही छोटी छोटी चीजों में गलत हो जाता है, थोड़े अरे ये माइनस छूट जाता है, बस यही होता है, इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। डी का विरोध क्या? समीकरण एक में पुट कर दीजिए, एक अभी हो जाएगा। समीकरण एक में पुट कर दीजिए, समीकरण एक क्या? ए प्लस टू और डी का विरोध निकला माइनस का टू बराबर चार, ए दो दुनी चार बराबर चार, तो ये एक माइनस है उधर जाएगा प्लस चार यानी चार चार आठ, ए का वैल्यू निकल गया मेरा आठ और डी का वैल्यू निकल गया मेरा माइनस का दो, तो अब हमको निकालना क्या है? एन का वैल्यू, और यहाँ पर मेरा गिवन में क्या दिया? ए एन जीरो, तो यहाँ पर अब ए एन का वैल्यू मेरा दिया हुआ जीरो, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं ताकि एक ही बोर्ड में हो जाएगा आपका। ए का वैल्यू कितना है? आठ। एन हमको निकालना है, डी माइनस का दो बराबर जीरो, ये जो आठ है ना ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आठ हो जाएगा, और ये जो माइनस का दो गुना में है ना ये इधर आके भागा में हो जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, दो चौके आठ हो जाएगा चार, और ये माइनस का एक है ना उधर जाके प्लस का एक हो जाएगा चार और एक पांच। यानी जो बोला था मेरा क्वेश्चन में कि इस एपी का कौन सा पद जीरो होगा, तो इस एपी का पांचवा पद जीरो होगा, मतलब जो पांचवा नंबर में आएगा। पहला क्या है? पहला देखिए, पहला है आपका आठ। देखिए मैं लिख देता हूँ कैसे पांच मतलब जीरो जीरो आएगा पांचवा नंबर में, देखते हैं। देखिए आंसर आ गया, ठीक है चेक करते हैं। ए का वैल्यू आठ है यानी यहाँ पर हम लोग आठ टू करते आठ, ए टू और डी माइनस टू है यानी ए टू का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस डी, यही होता ना फॉर्मूला, ए प्लस डी ए प्लस डी। ए का वैल्यू आया आठ और डी का वैल्यू कितना है? माइनस का दो यानी आठ माइनस दो यानी सामने वाला दो दो घटते जाएगा। ठीक है, आठ में दो जाएगा तो छः, छः में दो जाएगा चार, चार में दो जाएगा यहाँ पर लिख देते ए फोर ए फाइव डॉट डॉट। ठीक है, चार चार में दो जाएगा दो, दो में दो जाएगा जीरो। देखा देखा मैंने बोला था ना, मैंने क्या बोला था कि पांचवा पद जीरो है। देखिए ए फाइव का वैल्यू आ गया जीरो, तो इस तरह से देखिए मैथ जो है ना बहुत आसान है। ठीक है ना, देखिए इस तरह से जीरो आ गया, बोले थे आ गया, तो बोल रहा था कि इस एपी का लाइन में कौन सा पद जीरो होगा। देखिए पांचवा पद जीरो आ गया, ठीक है समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। तो नौ नंबर तक हो गया बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर। बोल रहा कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए इस तरह मैं नहीं समझ में आया, बोले ना जब तक कॉपी तरफ लेके बैठेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। 10 नंबर बोल रहा कि किसी एपी का 17वां पद, तो हमको तो एपी नहीं पता था, तो मान लेते एपी माना एपी क्या आ जाएगा ए वन, उसमें पहला पद तो होगा ना, ए टू दूसरा पद तो होगा ना, तीसरा पद तो होगा ना, चौथा पद तो होगा ना, डॉट 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 चलते रहेगा। बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से, प्रश्न में बोल रहा है कि उसका 17वां पद यानी ए 17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ए 10 से 7 अधिक है, उसका जो 17वां पद है वो 10वें पद से पहले से 7 अधिक है, तो ये इधर देखिए इधर तराजू में मेरा पहले से 7 है प्लस में, तो अब हमको बराबर करने के लिए किधर साथ देना होगा? इधर, इसलिए इधर साथ। ठीक है समझ में आ गया, ये हो गया। तो इसका सार मतलब डी निकालने बोला, डी इसका डी निकालने बोला, बोलिए नहीं निकाल सकेंगे इसको,
ले सकेंगे। देखिए कैसे नहीं सकेंगे, आप कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, एक घटा करके 16D, इसको सॉल्व कर देते एक घटा करके 9D प्लस 7। इसको ध्यान से देखिए, ये जो ए है ना, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस है और माइनस है, कट जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं। मतलब ध्यान दीजिए कि कोई भी यदि सेम नंबर साइन में यदि सेम रहेगा यानी प्लस प्लस और दोनों तरफ रहेगा बराबर के, उसको डायरेक्ट आंख मूंद के काट देते हैं। ठीक है, 16D और ये 9D है, इधर आके माइनस 9D हो जाएगा, इधर बचेगा अकेले में 7, 16 में 9 जाएगा तो 7D बराबर बचेगा 7, 7 और 7 एक बार में खत्म। तो मेरे यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, आपको बताया था कि इसी वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक टोटल सवाल देखेंगे ताकि आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारा सवाल का सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों लिखा है कि एपी 3, 15, 27, 39 ठीक है 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए इसको निकालते हैं। ठीक है, 11 एपी क्या दिया उसको पहले देख के लिखेंगे, 3, 15, 27, 39 3, 15, 27, 39 चलते हैं। कौन सा पद उसका 27वें पद से 132 अधिक है, मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा पद उसके 27वें पद से सॉरी 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद, यही तो एनवा पद को निकालेगा, यही तो एनवा पद को निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया कैसे, यहाँ पर ये वाला समीकरण बना दिया, नहीं समझ में आया, बोला था कि कौन सा पद, पहले क्या पढ़ रहे थे कल से, एपी का एनवा पद यानी कौन सा पद यानी वह पद, ये वाला जो लास्ट में आ रहा है ना वह पद, वह पद, तो इसको आपको समझना क्या है, एन निकालने में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सा पद तो एनवा पद उसका 54वें पद से 132 अधिक है, तो बोले ये पहले से 132 अधिक है, तो हमको 132 किधर जोड़ना है, इधर ताकि तराजू का दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया कैसे लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो एनवा पद होगा वो उसका 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, हमको यहाँ पर निकालना है, देखिए यहाँ पर हमको निकालना है n निकालना है। ठीक है, उसके बाद चलिए सबसे पहले n निकाल लेते, फिर इसको लास्ट में एक और बार समझा देंगे। ठीक है, n निकाल लेते, तो n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला आ जाएगा a घटा करके 53D प्लस 132 प्लस a प्लस a खत्म हो जाएगा, n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 82 माइनस 7 15 में 3 जाएगा तो 12 बराबर 53 गुना डी, डी का वैल्यू 12 प्लस 132 ये हो जाएगा 12 एन माइनस, क्या इसको कुछ और शॉर्टकट बना सकते हैं, इसको और शॉर्टकट हम लोग बना सकते हैं कैसे, देखिए एन माइनस 1 है ना और गुना में 12 है ना। ठीक है, ये 12 के 36 का जवाब 3, 12 बजे 60 और 3 63 प्लस 132 ये गुना 12 में है। ठीक है, एन माइनस 1 गुना 12 जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब ये जो गुणा में 12 है ना, इसको इधर ले आइए तो भागा में जाएगा 12 12 6 72 72 और 4 76 12 और 4 72 4 76 तो 4 12 6 48 एन का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 64 और ये माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया 65वां पद। अब देखिए फिर से एक और बार समझा देता हूँ, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए बोल रहा था कि क्वेश्चन की कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये कौन सा पद इसका 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए हम लोग इस तरह एपी में चलते रहेंगे तो कहीं एक जगह क्या आएगा, जैसे ये क्या हुआ एक नंबर का पद है 3, ये 2 नंबर में आ रहा है 15, 3 नंबर में आ रहा है 27, 4 नंबर में आ रहा है मतलब इसका पहला पद 3 है, दूसरा पद 15 है, तीसरा पद 27, चौथा पद 39 है। तो इस तरह से जो इसका 65वां पद होगा A65 जो होगा ठीक है जो होगा वो होगा इसका 54वें पद से 32 अधिक। अब क्या होगा ये 65, तो आप इसको निकाल के देख लीजिए, A65 को निकाल के देख लीजिए, A प्लस 64D, A का वैल्यू कितना है बच्चों 3 प्लस 64D का वैल्यू क्या है बच्चों 12
तीन प्लस 12 चक 48 का आठ में चार, 12 चक 48 का आठ में चार, 12 चक 72, 72 और 4 76, तो 8 3 11 यानी 7 7 1। देखिए यहाँ पर जो होगा ना 7 7 1 मतलब जो इसका 65वां पद जो 7 7 1 मतलब 771, इसका 65वां पद जो होगा ना 771 वो इसे 54वें पद से 132 अधिक। ये क्वेश्चन बोला बोला था कि कौन सा पद 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, और वो 65वां पद क्या है 771। समझ आ गया आंसर, ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि 12 नंबर ना, देखिए 12 नंबर, तो दो समांतर श्रेणियों, तो हमको तो दोनों समांतर श्रेणी नहीं पता है, नहीं पता ना, तो मान लेते प्रथम समांतर श्रेणी, माना प्रथम एपी, एपी कोई समांतर श्रेणी बोलते हैं, माना प्रथम एपी क्या हो जाएगा A1, A2, A3 डॉट 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 चलते रहे, ठीक है, तथा दूसरा एपी मान लेते, दूसरा एपी क्या है, मान लेते दूसरा एपी क्या है बच्चों, वो भी है A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यदि आपको कुछ अलग दिखाना है तो अलग आप डैश दे सकते हो ऊपर में, लेकिन नहीं भैया हम लोग पहले ही बोल देना कि क्या है ये प्रथम एपी है या दूसरा एपी। आप एक और पूछ सकते हैं क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन जो बोला ना, बोला कि दोनों का अंतिम पद है ना An, वो बराबर है, ये क्वेश्चन बोला। रुके रुके एक मिनट, बोला कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, एक मिनट सॉरी, बोला कि दोनों का जो सार अंतर है ना वो समान है, मतलब यहाँ जैसे दो का अंतर है सम में तो यहाँ भी दो का अंतर है, यानी दोनों का सार अंतर समान है, ये क्वेश्चन बोला। तो इसको आप क्या लिखेंगे इस तरह, एक और क्वेश्चन क्या है कि प्रथम एपी का सार अंतर, प्रथम एपी का सार्वंतर बराबर है दूसरा एपी का सार्वंतर के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, हम लोग अपने से नहीं देखे। बोल रहे कि 12 नंबर में कि यदि इसके 100 पदों का अंतर, मतलब और क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि इसका 100 पदों का अंतर, ये 100 और 100 कितना दिया है, 100 पदों का एक अंतर कितना है 100, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये आपको गिवन में दे दिया कि प्रथम एपी का सार्वंतर वो बराबर है दूसरा एपी के सार्वंतर के बराबर है, यानी इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए A1, A2, A3, इसको मान लीजिए A-1, A-2, A-3, ठीक है, अब अंतर कितना है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका तथा दो क्वेश्चन में बोला था, दो को बोला था अकॉर्डिंग क्वेश्चन, बोला कि इसका जो 100 पदों का अंतर, यानी एक 100 पहला का और दूसरा का A-100 दोनों का अंतर मतलब नेगेटिव 100 है, ठीक है, तो बोल रहा है कि तब आपको निकालना क्या है, ये 1000वें पद का अंतर और A-1000वें पद का अंतर, मतलब सॉरी A-1000वां और A-1000वां, मतलब पहला एपी का 1000वां पद और दूसरा एपी का 1000वां पद, और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, यानी दोनों का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, इन दोनों का आंसर भी यदि सार्वंतर समान है तो आंसर जो 100 है वो वाला 1000 चाहे 10000 चाहे लाख बोले ना 100 ही आए, यदि सार्वंतर समान है कैसे बना के निकाल देगा, ठीक है, ये वाला निकालना है, इसको आप इधर कहीं लिख के रख लीजिए, ठीक है, ए 1000 माइनस ए 10000 ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करो, ये वाला देखिए अब कैसे आएगा, ये 100 डी है यानी ए प्लस 99 डी, ये घटा करके ये A-100 प्लस 99 डी डैश बराबर 100, पहचानने की ज्यादा लगती है, ठीक है, ए को ए मान लिया, ए को A-100 मान लिया, ए को डी मान लिया, ए को डी डैश मान लिया, तो ए ए और A-100 को एक साथ लिखिए, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, दोनों का सार्वंतर समान है, यानी जो डी है ना वो डी डैश के बराबर है, तो यहाँ पर तब क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 99 डी और बराबर माइनस हो जाएगा 99 डी डैश को भी हम लोग क्या लिखेंगे, डी ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ए माइनस ए डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, इसको आप समीकरण 1 मान के रखो, ठीक है, ठीक है। अब हमको निकालने क्या बोला, ये बोला, तो अब इसको सॉल्व करो, ए ए 1000वां माइनस ए डैश 1000वां, इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 999 डी, इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा हम लोग साइन चेंज किए थे, साइन चेंज नहीं किए थे ना, देखिए यहाँ पर
साइन चेंज करो, ठीक है, एक में माइनस के डस और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये हो गया। और देखिए 999 बेटी माइनस ए डस, ए डस प्लस 999 डी डस, ये घटा करके ए प्लस 999 डी माइनस ए डस प्लस माइनस माइनस 999 और डी डस को भी आप हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे क्योंकि दोनों का बराबर हिसाब बनता है। तो ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो गया 999 मेरा बचा क्या है बच्चों, मेरा बचा इधर देखिए इधर लिख दीजिए, ठीक है, मेरा बचा क्या है बराबर के इधर क्या बचा है ए प्लस सॉरी ए माइनस ए डैश। तो देखिए अभी अभी हम लोग समीकरण एक में क्या निकाल रहे हैं, ए माइनस ए डैश का वैल्यू क्या निकाला था एक, और ये वाला हम लोग सॉल्व किसको कर रहे हैं, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, यानी इसको भी सॉल्व किया तो मेरा 2100 आया। देखा देखा समझ में आया किस तरह से आया, क्योंकि क्यों ऐसा आया क्योंकि इसका सार्वंतर समान, यदि सार्वंतर समान नहीं रहता तो मेरा हो सकता था अलग, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया, यानी यदि सार्वंतर समान रहेगा तो उसका जो जो सोवे पदों का अंतर चाहे 10वां पदों का अंतर चाहे 10000वां पदों का अंतर चाहे लाखों पदों का अंतर रहेगा, आपका जो पद का अंतर जितना होगा वही उसका दूसरा का भी उतना ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको नोट 13 नंबर देखते बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एक उदाहरण में बताया था तो आपको समझने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। 13 नंबर बोला कि तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तीन अंकों वाली कितनी संख्या, तो बोले तीन अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होता है 100 से और खत्म कहां होता है 999 में, देखिए 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक है तो वन तीन अंकों की संख्या, आप बोला कि ये तीन अंकों की संख्या को 7 से भी विभाजित होना चाहिए, ठीक है, तो 7 से विभाजित, देखिए इसको निकालिए तो 100 से 100 को 7 से भागा दीजिए तो कटेगा नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 105 कटेगा, आप देख लीजिए काट के 7 × 7 3 आ गया 7 × 25 15 बचे, सॉरी 15 × 7 105 होता है, ठीक है, तो 7 का पड़ा में 105 कट जाता है, तो पहला हुआ जो 7 से भागा जा रहा है, दूसरा 7 जोड़ दीजिए 112 119 107 जोड़ दीजिए, तो इस तरह इसको रनिंग डॉट 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 चलते रहेगा, लास्ट तक खत्म भी कहाँ हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, देखिए ये लास्ट होगा 994 में, देख लीजिए 7 × 7 दो जाएगा 7 × 28 एक जाएगा 7 × 14 42 को 7 से गुणा कीजिए, देखिए 994 आ जाएगा, तो देखिए लास्ट ये खत्म हो रहा है 994 में, शुरू हो रहा है 105, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एपी, एपी मेरा ये निकल कर आया, यानी तीन अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है ये आप बोल रहा है कि ये कितना है, आपको गिनना है एक दो गो तीन गो डॉट 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 कितना 994 कितना नंबर में आ रहा है, तो हम लोग सॉल्व करते हियर, यहाँ पर प्रथम पद क्या 105, सार्वंतर क्या है बच्चों 82 − 7 यानी 112 में 5 घटा दीजिए 105 घटा दीजिए 7 आएगा, और अंतिम पद क्या है बच्चों 994 आपको निकालना क्या है n का वैल्यू, यानी कितना पद होगा, ठीक है, कितना संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा, तो निकालता है, चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा g, तो an का वैल्यू क्या है 994, a का वैल्यू क्या है 105, n आपको निकालना है, d का वैल्यू क्या है 7, कोई दिक्कत नहीं है 994 में माइनस कर दीजिए 105 को, n माइनस 1 गुणा 7 994 माइनस कीजिए 14 में 5 जाएगा तो 9, यहाँ 8 में 8 बचेगा, यहाँ 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा 890, 7 इधर गुणा में था इधर आके भागा में हो गया, ठीक है, अब इसको n बराबर कितना आ गया काट 7 × 7 1 बचा, ठीक है, तो 7 × 14 4 बचा है 37 × 49, ठीक है, तो 127 127 बार में कट गया, माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1, ठीक है बच्चों, ये माइनस 1 था उधर जाके प्लस 1 हो गया, n मेरा टोटल कितना 128, तो बोलिए 128 पद या 128 संख्या, तो जो मेरा क्वेश्चन में बोल रहा था कि 7 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 128 संख्या है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कंपटीशन में जरूर पूछता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे फिर नंबर 14 नंबर किसके किसके बीच में 10 और 250 के बीच में 250 के बीच 250 के बीच 4 के गुना यानी 4 से भागा जाने वाला क्या क्या है,
चार से भागा जाने वाला कितना दिन है, तो 10 के 4 से करता है नहीं करता है, 10 11 भी नहीं करता, 12 करता है। यानी 4 का पढ़ा में कौन कौन आता है, 12 आता है, 4 16 आता है, 4 5 20 आता है, 4 के 12 4 16 4 5 20 आता है, 4 6 24 आता है, डॉट 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 डॉट। अब लास्ट कहां से होगा, लास्ट कहां से होगा, 2 ठीक है, 4 6 24 होता है, 4 6 24 24 4 6 24 24 एक बचा है और ये हो जाएगा 4 6 24 देखिए ये 250 है ना, 250 है, 4 से भागा दीजिए, 4 6 24 एक आ गया, 10 तो होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, 24 में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 250 को क्या लिखेंगे, 249 पर लिख के देखते हैं, एक माइनस करके, क्योंकि ज्यादा हम ले नहीं सकते, हमको लिमिट बांध दिया है कि हमको 250 तक लेना है, उससे कम तक हम जा सकते हैं, ठीक है, 249 में से 4 6 24 4 2 8 यहां पर 8 लिखे, यानी मेरा टोटल कितना लास्ट में आ जाएगा, 248, ठीक है, और ये कितना बार में कटेगा, 62 बार, ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया, देखिए देखिए बोला था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितना गुना है, मतलब 4 का पढ़ाने कौन कौन आ रहा है, तो 12 आ रहा है, 14 आ रहा है, 20 आ रहा है, ऐसे सॉरी 14 कहां से आ गया, 4 4 16 ना, ठीक है, तो 4 या 12 आ गया, 4 4 16 आ गया, 4 20 आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 इस तरह से 248 आएगा 62 बार में, बस उसके बाद 250 के बाद आया, तो 250 तक ही हमको लेना, तो यहां पर इसको हमको तब पर निकालना क्या है, टोटल ये कितना है, टोटल टोटल, तो यहां पर हियर ये तो उसी तरह से सवाल है, ये 12 बी 12 में 16 में 12 जाएगा 8-7 4 और एन कितना है बच्चों 248, हमको निकालना क्या एन का वैल्यू, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, तो एन हमको निकालना, एन हमको दिया हुआ है 248, ए का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 12, एन माइनस 1, बी का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 4, आप इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया, आप सॉल्व करने का काम है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर दीजिए, जो एन का वैल्यू आएगा लिख देना है कि इस एपी में टोटल कितना पद है जो एन का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो बस इसको नोट कर ले, सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोला कि एन के किस मान के लिए, अब हमको निकालना क्या एन का वैल्यू, दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर है, तो पहला एपी क्या दिया है, प्रथम एपी क्या दिया बच्चों 63-65-67 डॉट डॉट डॉट, दूसरा एपी क्या दिया बच्चों 3-10-7-17 डॉट डॉट डॉट, बोला कि दोनों का एनवे पद बराबर है, यानी अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, बोला कि जो ए एन पाला का होगा ना, मतलब पाले पाला एपी का एनवा पद, पाला एपी का एनवा पद वो जो है ना वो बराबर है दूसरा एपी का एनवा पद, दूसरा एपी का एनवा पद का बराबर, ये आपका क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन में दे दिया, तो इसको हम लोग ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन में दिया है, हमको निकालना क्या एन का वैल्यू, यानी यहाँ पर दोनों का एनवा पद बराबर है, यानी एन बराबर एन है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है पहला एपी के लिए 63, दूसरा एपी के लिए ए क्या है 3, एन हमको निकालना है, एन हमको निकालना है पहला एपी के लिए, डी कितना है 8-2-7 65 में 63 जाएगा, तो जो दूसरा एपी के लिए डी कितना है 8-2-7 10 में 3 जाएगा तो 7, ये देखिए ये 63 है ना और ये 3 है, तो 3 प्लस में है इधर आके माइनस में 3 आ जाएगा, तो 63 में 3 जाएगा तो 60 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते, 2n हो जाएगा माइनस 2 इधर आ जाएगा, 7n हो जाएगा माइनस 7, 60 सब उधर फेंक दीजिए, 7 माइनस 2n माइनस 7 प्लस 2 60 7 2 में 2 जाएगा 5n माइनस 5, 5 कॉमन ले लीजिए इधर बना देते, तो इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 12 बचे 60 n 12 और ये माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1 यानी 12 ले 13, तो बोलिए
एन का क्या वैल्यू आ गया 13। यही तो निकालने वाला सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला था कि आपको एन का वैल्यू निकालना, जहां पर ए को कंडीशन मैंने क्या दे दिया है कि दोनों का एपी का एनवापल बराबर, तो दोनों का एनवापल बराबर कर दी, सिंपल ही आंसर आ गया। मत कर ले, बहुत आसान। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात है, जहां हमको नहीं पता कि एपी क्या है, तो माना एपी A1, A2, A3 डॉट चलते हैं, ठीक है। ये एपी है, हमको नहीं पता, यही वाला निकालना है, ठीक है। बोला कि जिसका तीसरा पद 16 दिया है, गिवन में क्या दिया है बच्चों, तीसरा पद 16 दिया है, और क्या दिया, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये दो चीज दिया है, हमको निकालना क्या एपी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देते, जो जो गिवन में दिया उसी को, तो यहां से हो जाएगा, हाँ इसको A7 बराबर A5 प्लस 12, ठीक है, इसको मिटा दें, ताकि इसको पहले A16 को सॉल्व कर देते हैं, तो A3 मतलब A प्लस 2D बराबर 16, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से A7 क्या लिखते हैं, A प्लस 6 है डी, A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4 डी प्लस 12, ठीक है। दोनों तरफ A है, काट दीजिए, 6D में 4 डी इधर आए तो 2D, और इधर 12 बराबर 12 बचा, पूछे के 12, तो D का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 6। अब D के बाद हमको A का वैल्यू चाहिए, ठीक है, A का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, D का वैल्यू समीकरण 1 इंप्लाइज से A प्लस 2 D का वैल्यू आ गया 6 बराबर आ गया 12 सॉरी 16, A प्लस 6 दुनी 12 बराबर आ गया 16, तो A का वैल्यू क्या आ गया 12, उधर है माइनस जाके उधर जाके माइनस है, तो 12 में 12 जाए तो सॉरी 16 में 12 जाए तो 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना क्या है, एपी निकालना, हमको ए मिल गया डी मिल गया, तो अब हम लोग क्या बोले थे शुरू में, हमको केवल दो चीज चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, उसके बाद हम ब्रह्मांड का कोई भी चीज निकाल सकते, एपी से रिलेटेड। तो अब हमको क्या निकालना, अब एपी एपी हम निकालते, तो सबसे पहले ए चाहिए तो ए 4, फिर हमको ए 2 चाहिए, ए 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए में हम लोग डी को जोड़ देंगे, यानी 4 और 6 10, फिर D को जोड़ते जाएंगे तो 10 6 16, फिर D को जोड़ते जाएंगे 16 6 22, इस तरह से डॉट चलते रहे, मेरा AP निकल गया ये वाला, ठीक है। तो आप इसको प्रूव कर दे, समझ में आया ना कैसे लिखा है ये वाला, देखिए A2 क्या होता है, A2 होता है मेरा A प्लस D, A वैल्यू क्या था मेरा, A का वैल्यू 4, D का वैल्यू क्या 6, तो 10, और 7 अंतर क्या है, A3 देख लीजिए, विश्वास नहीं हो रहा तो देख लीजिए, A3 का मतलब क्या होता है, A2 में हम लोग D को जोड़ देते हैं, A2 का मतलब 10, D को जोड़ दीजिए 6 16, बस मतलब D को जोड़ने जाना, ठीक है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये AP में है क्या नहीं, तो चेक करके देख लीजिए, सारा अंतर समान है क्या नहीं, A2 माइनस A1 10 में 4 जाएगा तो 6, 16 में 4 10 में जाएगा तो 6, 22 में 16 जाएगा तो 6, ठीक है, समान मतलब ये AP है और ये सही बना है, ठीक है, तो इसको आप नोट करें, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बोल रहा है कि एक AP दिया, क्या दिया बच्चों AP दिया मेरा 3 8 13 3 8 13 डॉट कहाँ तक दिया है, 253 तक दिया है। बोल रहा है कि इसमें अंतिम से 20वां पद क्या होगा, अब इधर से बोल रहा है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने उदाहरण में बताया था, उदाहरण में मैंने बताया था कि इधर से आ रहा है अंतिम से 20वां पद क्या होगा, अंतिम से 20वां पद क्या होगा, ये आपको निकालने को A20 निकालने को, वो भी अंतिम से, तो अंतिम से हम लोग AP शुरू करेंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, नया AP बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब हम इधर से जाते तो मेरा प्रथम पद होता है 3 और सारा अंतर होता है A2 - A1 यानी 8 - 3 = 4 तो 5 होगा, ठीक है। लेकिन हम इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला है कि अंतिम से, तो हम लोग अंतिम से चलते हैं, तो अंतिम से क्या हो जाएगा, 253 को अभी थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि इसके अंदर में और क्या को लिखना है, देखिए 253 है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 माइनस कर दीजिए तो 248, फिर इसमें 5 माइनस कर दीजिए तो 200 कितना आ जाएगा, 5 माइनस कर 243, ठीक है, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है, यहाँ पर डॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चेक कीजिए यहाँ पर दो वो संख्या जो हम लिए वो सही है क्या नहीं, चेक कीजिए A2 - A1 8 में 3 जाएगा तो 5, 13 में 8 जाएगा तो 5, 248 में 243 जाएगा तो 5,
253 में 248 जाएगा तो 5 बिल्कुल सही। अब हमको बोला कि इधर से जाना है, तो इधर से जाने के लिए तब फिर मेरा प्रथम पद क्या आ जाएगा, ये वाला A1, दूसरा पद क्या आ जाएगा, ये वाला A2, तीसरा पद क्या आ जाएगा, ये वाला A3, और ये तरह से डॉट 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 चलते जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला आ जाएगा अंतिम पद An, 3 नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंतिम से प्रथम पद, अंतिम से प्रथम पद A1 कितना है बच्चों, 253। सार अंतर क्या है बच्चों, जिसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं D, 253। आप देखिए इस तरह नहीं चलेगा, इधर से इधर माइनस नहीं होगा, और ना क्या फॉर्मूला A2 - A1 क्या होगा, तो कल मैंने लास्ट का वीडियो में बताया था, लास्ट का क्वेश्चन में जो मैंने आपको शुरू में गलत बताया था उसके बाद सही, क्योंकि मैंने आपको देख रहा था कि आप ध्यान से देख रहे क्या है। ठीक है, A2 - A1 सार अंतर का फॉर्मूला आता है A2 - A1, A2 क्या है बच्चों 248, माइनस कर दीजिए A1 253, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 248 से तो 53 नहीं घटेगा ना, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू माइनस का 5। चलिए हमको A मिल गया, हमको D मिल गया, तो अब हम ब्रह्मांड का कोई भी चीज निकाल सकते हैं, कोई भी चीज। तो बोल रहा था कि इसका अंतिम से दिशा पर, यानी A20 हमको निकाल है, A20 का मतलब A+19B, A का वैल्यू है 253 प्लस 19, D का वैल्यू है माइनस का 5, 253 माइनस 19 पच्चीस कितना हो जाएगा 5 45, तो 5 45 का 5 अपने 4, 5 और 4 9 95, अब माइनस कर दीजिए 13 में 5 जाएगा तो 8, और इधर हो जाएगा 14 में 9 जाएगा तो 5, और ये हो जाएगा 158। ठीक है बच्चों 158 जोड़ के देख लीजिए सही है कि नहीं, 8 5 13 9 5 14 15 सही है, सही। तो बोल रहा है कि अंतिम से दूसरा पद क्या होगा, तो 158। ठीक है, क्लियर होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको एक उदाहरण बनाए थे, अगर आपको थोड़ा सा भी सब हो रहा है मतलब समझ नहीं आ रहा तो आप उदाहरण वाला वीडियो को जाकर देख लीजिए, इससे पहला वाला वीडियो कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और 3 क्वेश्चन बचा है, इसको भी बना लेते हैं और इससे एक्सरसाइज को हम लोग खात्मा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किसी एपी ने चौथे और आठवें पदों का योग, देखिए हमको एपी तो नहीं पता है ना, तो माना एपी A1, A2, A3, A4 डॉट 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 चलते रहेगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, बोल रहा है कि चौथे और आठवें पदों का योग, यानी A4 और A8, यानी चौथे और आठवें पदों का योग कितना दिया बच्चों, 24 दिया है, तथा एक और दिया है, तथा छठे और दसवें पदों का योग A6 और A10 कितना दिया बच्चों, 44 दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, मतलब आपको निकालना है A1 का वैल्यू निकालना है, A2 का वैल्यू निकालना है, A3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं A+3D, A8 को क्या लिख सकते हैं A+7D बराबर 24, A+7 और 3 10 बराबर 24, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं A+5D बराबर 24, 12 2 24, A+5D बराबर आ गया 12। ठीक है, समीकरण 1, फिर इधर भी सॉल्व करते उसी तरह से, इसको लिख सकते A+5D, इसको लिख सकते A+9D, इधर आ गया 44, ये A को कितना आ गया 2 है, ये 9 और 5 हो गए 14D बराबर हो गया 44, ये 2 को कॉमन ले लेते A+ कितना आ जाएगा 2 14D बराबर 44, 2 4 2 4 22, A+70 बराबर हो गया 22, समीकरण 2 में A को माइनस करते हैं, समीकरण 2 में माइनस करते हैं समीकरण 1 को, 2 क्या है A+70 में माइनस करना है A+5D को, RHS के साथ A+70 माइनस हो जाएगा A, माइनस हो जाएगा 5D बराबर हो जाएगा 12 और 10 22, माइनस A+1 खत्म, 7 में 5 हो जाएगा तो 2D बराबर 10, तो 25 10, यानी D का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 5, D का वैल्यू आ गया 5। अब हमको A का वैल्यू चाहिए, तो समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, D का वैल्यू A हमको निकालना है 5D का वैल्यू 5 बराबर 12। ठीक है, A+5 = 25 बराबर हो गया, इसको इधर लेंगे 12,
12 में 25 जाएगा तो कितना आंसर बोलिए तो माइनस का 13, ए का भी आ गया माइनस का 13, डी का भी मिल गया 5, तो हमको दो चीज मिल गया, ए मिल गया डी मिल गया। अब हम ब्रह्मांड का कोई भी चीज निकाल सकते हैं, एबीसीडी लेके हमको A1 A2 A3 का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग कहां लिखेंगे, जगह तो नहीं बचा है, लिख इधर लिखेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे ठीक है। देखिए कहां कहां लिख रहा है इसको याद रखिएगा ठीक है, आप ऐसा नहीं कि यहां लिखा आप यहां लिखने लगेगा ऐसा नहीं ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, एपी के प्रथम तीन पद, एपी के प्रथम तीन पद क्या है, A1 A1 का वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 13, A2 इसमें D को जोड़ देते हैं माइनस 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा बोलिए तो, माइनस का 8, A3 इसमें 5 D को जोड़ देते हैं माइनस 8 और प्लस 5 माइनस का 3 हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब AP के प्रथम तीन पद A1 बराबर माइनस 13, A2 बराबर माइनस 8, A3 बराबर माइनस 3 चलिए ठीक है, इसको नोट कर लें। और दो क्वेश्चन बचा है, 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर बोल रहा है कि देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। बोल रहा है कि सुपर राव ने 1955 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया ठीक है, मतलब उसको जब पहला वेतन मिला कितना का 5000 रुपया का, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई, मतलब उसको प्रत्येक वर्ष 200 रुपया उसका वेतन में वृद्धि किया जा रहा, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाए। आप उसको सोच रहा है, आप वो सोच रहे हैं दोबारा कि अगर हमको अभी एक महीना में हमको 5000 मिला तो हमको 7000 रुपया किस वर्ष में मिलेगा, मतलब कितना साल में मिलेगा या कौन सा साल में मिलेगा, मतलब कितना साल बाद मिलेगा। चलिए इसको देखिए, इस तरह का सवाल। तो इसका प्रथम पद क्या है बच्चों, क्या हमको क्या देखिए इस तरह से नहीं लिखिए, तो आपको क्वेश्चन या क्वेश्चन की भाषा में लिखिए क्या लिखेंगे, मासिक वेतन क्या लिखेंगे, सुबह रहने 1955 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पद पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे मासिक वेतन, मासिक वेतन इसको लोग क्या मानेंगे A1 बराबर कितना दिया 5000 रुपया, और वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि ये सब दिया हुआ है ठीक है, डिमांड में ये सब दिया हुआ है, वेतन में वृद्धि, वेतन में प्रत्येक वर्ष मासिक वेतन उसका 5000 रुपया लिखा है, और प्रत्येक वर्ष क्या लिखेंगे, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि कितना आ रहा है 200 रुपया का, यानी वो क्या है उसका सार्वंतर दिया जी दिया 200 रुपया, तो बोल रहा है कि उसका अंतिम पद कब 2000 रुपया हो जाएगा, मतलब उसका अंतिम पद निकालना है तो 7000 रुपया कब होगा, यानी वो सोच रही है दोबारा कि मेरा 7000 रुपया कब होगा ठीक है, मतलब कौन सा साल में होगा या कितना साल बाद होगा। देखते हैं यानी आपको निकालना क्या एन निकालना है ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, एन का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का वैल्यू कितना 7000 रुपया ठीक है, इसको रुपया लिख दीजिए ताकि अच्छा लिखेगा, ए ए का वैल्यू कितना है 5000 ठीक है, प्लस एन आपको निकालना डी, डी का वैल्यू कितना दिया 200 रुपया। अब देखिए 7000 रुपया है, 7000 है ना, माइनस कर दीजिए 5000, एन माइनस वन गुना 200 कितना जाएगा बोलिए 2000 हो जाएगा, ये 200 गुना में धारा का भागा में जाएगा तो बराबर में एन माइनस वन 2020 दो दाए 20 एन बराबर 10 और माइनस वन है उधर जाके प्लस वन यानी 11 यानी बोल रहा है कि 11 वर्ष ऐसा लग गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा था कि सुबह को मासिक वेतन 5000 रुपया मिल रहा है और हर वर्ष उसका 200 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है, और बोल रहा है कि उसका कौन सा वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा, कौन सा वर्ष उसका 11वां वर्ष में 7000 रुपया उसको मिलेगा, जब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जब 10वां के बाद जब 11वां वर्ष में उसको जब वेतन मिलेगा तो उसको 5000 नहीं उसको कितना मिलेगा 7000 रुपया मिलेगा ठीक है, क्योंकि उसका तब 200 रुपया बढ़ते जा रहा है ठीक है, तो उसका 11वां वर्ष में 7000 उसको आते रहेगा वेतन ठीक है, तो सही ना के इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, मतलब 50 रुपया बचा लिया और फिर अपने साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ा दी गई, आप वो सप्ताह सप्ताह में 17.5 बढ़ाते जा रहे ठीक है, मतलब बचाते जा रहे, यदि
मैंने उसका 50 रुपया बचत था प्रति एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह में 50 रुपया बचा बचा के रख रहे हैं। और अब क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहे हैं कि प्रति एक सप्ताह में क्या कर रहा है, थोड़ा सा और रुपया बचा करके उसमें बढ़ाते जा रहा है, 17.5 रुपया उसमें बढ़ाते जा रहे हैं। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन क्या मतलब बोला कि मान ले तो उसका 10वें सप्ताह या फिर उसका 11वां सप्ताह या फिर उसका 16वां सप्ताह में यदि उसका 207.50 रुपया हो जाता है तो वही वाला निकालना कि कौन सा सप्ताह में, ठीक है, समझ आ गया, यानी एन का वैल्यू निकालना। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या उसको लिख देते 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्या कर राम करेंगे, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, तो प्रथम सप्ताह में बचत डिमांड में क्या किया बच्चों, प्रथम साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत प्रथम सप्ताह में कितना बचा है 50 रुपया, ठीक है, प्रथम साप्ताहिक बचत 50 रुपया, फिर वह प्रत्येक सप्ताह में और रुपया इसमें जोड़ते जा रहा है, ठीक है, यानी उसका सार्वजन कितना हो जाएगा, यानी साप्ताहिक बचत में वृद्धि, साप्ताहिक बचत में वो कितना रुपया बढ़ाते जा रही है, इस बचत में 17.5 रुपया बढ़ाते जा रहे हैं। बोला कि उसका कौन सा सप्ताह में उसका 207.50 रुपया हो जाएगा, यानी पैसा बचा 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 करके 207.50 रुपया कब हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन बोला, यानी हमको एन का वैल्यू निकालने को, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं एन का, ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, एन का वैल्यू कितना दिया बच्चों 207.50, ए का वैल्यू कितना दिया 50, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना दिया बच्चों, देखिए ये जो वृद्धि है ना वो डी है, ठीक है, सारा बंद 17.5 207.50, इसमें माइनस कर देना 50 को, 50.00 कुछ नहीं मतलब पॉइंट में हमें 0.00 आपने से लिख सकते हैं 17.5, ठीक है, अब माइनस कर दीजिए 207.50 को 50.50 से माइनस की, तो ये पॉइंट 50 तो होगा ही, ठीक है, और ये 7 और ये 20 में 5 जाएगा तो 15 यानी 157, और ये 17.5 गुना में तो इधर आके भागा में होगी 17.5 माइनस वन। आप इसको देखिए किससे कटेगा, बोलिए कटेगा किसी से, 900 देखिए तो कटेगा, तो ये 900 कटेगा देखिए तो, अच्छा ये 0 है ना, इसको हम लोग 0 नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद आप एक डिजिट लिखे चाहे दूसरा डिजिट लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉइंट के बाद आप एक डिजिट भी लिखकर छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको चाहेंगे तो हम इसको 0 तक ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसका 0 को नहीं भी लेंगे तो आप लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 0 देंगे, ठीक है, ताकि आपको घटाने में दिक्कत, यहाँ पर एक ही 0, ठीक है, आप 9 से काट 9 बजे 45 का 5 है 4, 9 से 63 64 65 66 67 67 का साल में 6 9 और 6 15, यानी 9 से कट जा रहा है, तो यहाँ पर n बराबर 9 और ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1, तो फिर मेरा n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 10, यानी उसका जो देखिए अभी बता रहा हूँ 10 और 17 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला था कि जो रामकली है वो प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचा रहा है और हर सप्ताह में 17.5 रुपया उस बचत में बढ़ाते जा रहा है, ठीक है, बढ़ाते जा रहा है, तो बोल रहा है कि कौन सा सप्ताह में उसका 207.5 रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो देख रहे हैं कि हम लोग 10वां सप्ताह में जब वो 9वां के बाद 10वां सप्ताह में जमा अपना जिसमें बोल रहा था ये पैसा उसको जब छोड़ेंगे या फिर देखेंगे तो मेरा कितना हुआ 10वां सप्ताह में कि मेरा 207.50 रुपया हुआ, ठीक है, 207.50 रुपया हो गया 10वां सप्ताह, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग थी, कोई बात नहीं, हम लोग एक ही वीडियो में कम से कम आपको सारा क्वेश्चन तो मिला, आपको इधर उधर भटकने का जरूरत ना पड़ेगा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आपको दोस्तों में वीडियो को लेकर शेयर करना बोले, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, बस अभी लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।